और इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पद्मावत फिल्म रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, देश की सबसे बड़ी अदालत से यह कहा गया है कि पूरे देश में यह फिल्म रिलीज होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट में और बैन करने की मांग की गई थी इस फिल्म को, लेकिन एक बड़ा झटका राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत रिलीज करने को कहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट से इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ आज अदालत में हुआ, क्या जानकारी और आपको मिल पा रही है, विस्तार से बताएं निपुण। देखिए, अदालत बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी राज्य सरकारों की इस दलील से कि फिल्म को रिलीज अगर होने दिया गया तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। कोर्ट का कहना था कि आप तो पहले से ही अंदेशा जता रहे हैं, जबकि कानून व्यवस्था बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड ने इसको प्रमाण पत्र दिया और हमने आदेश दिया है फिल्म को रिलीज करने का, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे रिलीज होने दें, आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं, न कि इस तरह का अंदेशा जताकर फिल्म पर रोक लगाने की मांग करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इन बातों को दोहराया और आखिरकार परिणाम यही निकला कि जो संशोधन की मांग कर रही थी राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट से कि वो अपने आदेश को वापस ले ले, जहां फिल्म को रिलीज होने की इजाजत दी गई थी, उसको मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब फिल्म सभी राज्यों में रिलीज होगी। निपुण, जो बात एक कही जा रही थी दोनों राज्य सरकारों की तरफ से, कानून व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा था बार बार, इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पहले भी कहा था और आज भी कहा कि कानून व्यवस्था को देखना आपकी जिम्मेदारी है। आप पहले से एक अंदेशा जता रहे हैं, फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है, कुछ संगठनों की हिंसा या धमकी का आप हवाला दे रहे हैं अपनी याचिका में। ऐसी याचिका को सुना भी कैसे जा सकता है कि एक राज्य सरकार आकर कुछ संगठनों की धमकी या उनकी जो हरकतें हैं उनका हवाला दे। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को देखना। आज की तारीख में केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड, जो कि एक वैधानिक संस्था है, उसका सर्टिफिकेट फिल्म को हासिल है और हमने आदेश दिया है कि ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि फिल्म रिलीज हो और पूरी सुरक्षा आप दे। किसी संगठन की धमकी या चेतावनी या उसकी हरकतों का हवाला देकर आप अगर रोक की मांग कर रहे हैं तो ये सुनवाई के लायक भी नहीं है आपकी अर्जी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।